पूछते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे, अभी तक जो हम जो पढ़ चुके थे वो सिलोगिज्म के बारे में भी हमने जान लिया था, और उसके बाद में जो है हमने काफी सारे लेक्चर सिलोगिज्म के जो है देखे, और भी टॉपिक जो है रीजनिंग के भी हमने देख लिया था, और इसके पहले ब्लड रिलेशन के जो है हमने देखा था लेक्चर। और ब्लड रिलेशन के बाद आज जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड होगा, वो क्रम व्यवस्था से रिलेटेड होगा। क्रम व्यवस्था के जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्रम व्यवस्था के बारे में जो है हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि क्रम व्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार से रैंकिंग जो है वो डिफाइंड की जाती है, उसके जो है क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा जो है एक प्रकार से रैंकिंग से रिलेटेड होगा, और रैंकिंग के बारे में हम जानेंगे, रैंकिंग क्या होती है, क्रम व्यवस्था। तो आज का टॉपिक किसका है, वो क्रम व्यवस्था का है। तो क्रम व्यवस्था के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। यह है क्रम व्यवस्था, जिस प्रकार से क्रम में हम किसी चीज को रखते हैं उस चीज को एक प्रकार से यहाँ पे डिफाइन हम करने का प्रयास करेंगे, तो इसी को जो है क्रम व्यवस्था जो है बोला गया है। और क्रम व्यवस्था के बारे में हम यहाँ पे पूरी तरह से जानेंगे कि क्या होती है क्रम व्यवस्था और क्या नहीं होती है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे जो है आप शॉर्ट टर्म से क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो क्रम व्यवस्था में जनरली दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फिर सीरियलिटी ऐसे हो जाए, सीधी सीधी हो जाए, या तो सीरियलिटी रखते हैं ऐसे ऐसे। जनरली जो रखते हैं वो ऐसे ऐसे वाली सीरियलिटी जब देते हैं, नीचे की जो है सीरियलिटी रख देंगे, आपको बोलेंगे इसका जो इधर से क्रम क्या है, इधर से क्रम क्या है, या तो कहते हैं कि बिल्डिंग से दे दें ऊपर से नीचे, तो शायद उसमें चली जाएंगी, सीटिंग अरेंजमेंट में चली जाएंगी, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछते हैं। तो जनरली आपको हॉरिजॉन्टल रो एक दे देंगे और कहेंगे भाई इसकी जो है क्रम व्यवस्था क्या है, हॉरिजॉन्टल बेस जो है प्रकार से लीनियरिटी जो है क्रम व्यवस्था आपसे यहाँ पे पूछने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे लीनियरिटी जो है क्रम व्यवस्था क्या होती है। तो अगर जो कोई व्यक्ति दाएं से पांचवा, मान लिया दाएं से एनवा है, मान लेते हैं ये इसका दाया है, ये इसका बाया है, और एक व्यक्ति है जो बीच में यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ, हमें नहीं पता है कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है, और इसका बाएं से जो स्थान है एमुमा है, और दाएं सॉरी एमुमा है, एम स्थान इसका बाएं से है और एनुमा स्थान इसका दाएं से है, मतलब एन स्थान जो है वो किधर से है, मतलब ये जो व्यक्ति है इसके इसका जो एक छोर है ये इसका दायां हो गया, और इधर से इसका स्थान है वो एमुमा है, ये जो इसका बायां है इसका इधर से स्थान है एनुमा है। आपसे कहा जाए कि उस व्यक्ति का एक प्रकार से उसका कहने का मतलब है इधर से एनुमा है उधर से एमुमा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कहा जाए कि उस मतलब क्लास में कुल कितने छात्र, मतलब कुल कितने छात्र बोल दे, कुल कितने स्टूडेंट बोल दे, कुल कितने व्यक्ति बोल दे, कुल कितने मान लिया जाए लोग बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो ये आपको निकालना रहेगा। तो टोटल जितने व्यक्ति होंगे उस पंक्ति में वो कितने होंगे, एम प्लस एन, सॉरी एम प्लस एन, एम प्लस एन माइनस एन, ये जो होंगे कुल व्यक्ति होंगे। पहला ये फार्मूला याद रखिएगा, कुल व्यक्ति इतने होंगे। अगर जो कुल व्यक्ति दिए गए हैं और एक तरफ से एमुआ एनवा दे रहे हैं, एक तरफ से एमुआ एनवा दे रहे हैं, तो केवल एक माइनस कर दीजिए एनवा निकल आएगा कि एन का स्थान कितना है, बस इतना आपको याद रखना है, एक निकाल माइनस कर दीजिए उसका स्थान निकल आएगा उसमें से, मतलब उसका स्थान क्या है दूसरे वाले व्यक्ति का। तो ये जो है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं उस पंक्ति के, जनरली बीच का पूछा जाता है। अभी इसमें जैसा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन जो है इसका देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। रोहित का मतलब एक कक्षा में रोहित का स्थान सातवां है, ऊपर से सातवां है, रोहित का मतलब अटेंडेंस लगती है तो रजिस्टर होता है ना, तो इसमें ऊपर से बोल दिया है, जैसे क्रम व्यवस्था हॉरिजॉन्टल है, जैसे इधर का बच्चे का नाम लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इधर ऐसे लिखेंगे नाम, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपर से स्थान सातवां है और नीचे से स्थान उसका छब्बीसवां है,
आपको बताना है उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो उस क्लास में स्टूडेंट की जो संख्या होगी 7 प्लस होगी 26 होगी, बराबर होता है 33। और 33 में से एक माइनस कर दोगे, 33 में से एक, फार्मूला वही है हमारा, 7 प्लस 26 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 25 बराबर कितना होता है 32। तो उसका स्थानवा कौन होगा, 32 स्थान जो होगा उसका, उसमें मतलब सॉरी उसमें जो है कुल पंक्ति में छात्र जो होंगे, मतलब उस क्लास में टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो 32 होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर जो ये हॉरिजॉन्टल वाला कोई पंक्ति दे दे, एक पंक्ति में राहुल का स्थान मतलब छठवां है और दाएं से छठवां है, बाएं से जो है ये स्थान है, ऐसे भी दे दे तो भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 40 बच्चों की एक पंक्ति में मनीष दाएं से चौदहवां है, तो बताइए उसका बाएं से स्थान कौन सा होगा। 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, कितने व्यक्तियों की पंक्ति है, 40 व्यक्तियों की पंक्ति है। हमने बोला था अभी कि टोटल स्टूडेंट कितना होता है, m+n - 1 बराबर t, टोटल स्टूडेंट, यही फॉर्मूला लगाइए, कोई भी एग्जाम हो कहीं भी हो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए उसका स्थान कितना है, उसका स्थान हमको पता करना है ना, एमवा स्थान एनवा स्थान, ये फॉर्मूला हमको ये बता देगा कि उसका स्थान कहाँ पे है, एन की वैल्यू क्या है, एन की पोजीशन बता देगा हमको जाकर के एग्जैक्ट, तो एन की ये पोजीशन बताएगा ना कि एन को बताएगा एन कितने हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट उसमें हैं। अब 40 हैं और कह रहे हैं कि पंक्ति में दाएं से वो मान लेते हैं चौदहवा, दाएं बाएं कुछ भी मान लीजिए, एम एन कहीं पे भी कुछ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे एम रख देते हैं प्लस, यहाँ पे कितना रख देते हैं, 14 - 1 बराबर कितना कर देंगे, 40। तो ये एम बराबर निकल के आ जाएगा 13, m+13 बराबर कितना हो जाएगा, 40। अब बोलिए 13 40 अगर जो हम घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो m बराबर निकल के आ जाएगा, ये 40 है इसमें से 13 घटा दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 27। बोलो उसका स्थान कौन सा होगा, उसका जो स्थान होगा उस पंक्ति में कौन सा होगा, 27वां जो है उसका स्थान बाएं से होगा, मतलब बाएं दाएं कुछ भी आप रखिए, एम एन की वैल्यू कहीं पे रखिए, ये तो फार्मूला है निकालने का, यही फार्मूला लगाइए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बाएं से पूछे दाएं से फार्मूला लगाइए, बस आंसर आ जाएगा आपका कि उसका स्थान यहां से ये होगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति बढ़ रहा होगा वो माइनस कर दीजिएगा दोनों तरफ से, एक ज्यादा हो जाता है ना तो वो माइनस कर दोगे तो वही व्यक्ति आ जाएगा जो मतलब पंक्ति में है, उसका स्थान दाएं से बाएं से, ये फार्मूला सभी के लिए ट्रूथ है ये, मतलब। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होता है वो डी नंबर का ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति 40 पंक्तियों की एक लड़कियों में बाएं से 4 स्थान सरक जाती, किरण अपने बाएं से 4 स्थान जो है सरक जाती है, अपने बाएं से 4 स्थान जो है वो खिसक जाती है, 40 पंक्तियों की एक लड़की है और उसके बाएं से 10वां स्थान पर हो जाती है, तो बताइए श्वेता दाएं से कितने स्थान पर होगी। ये जो है मतलब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं हम, कह रहे हैं कि 40 लड़कियां हैं, किरण अपने बाएं से 4 स्थान सरक जाती है, मतलब जो अपना बाएं है उसे 4 स्थान नीचे चली जाती है, मतलब एक तरफ हट जाती है, पीछे चली जाती है बाएं से। अब उसके बाद कह रहे हैं कि उसके उसकी बाएं से 10वें स्थान हो जाता है, उसका जो है बाएं से कौन स्थान हो जाता है, 10वां स्थान हो जाता है, तो बताइए श्वेता दाएं से कौन स्थान होगा। श्वेता किरण का प्रारंभिक स्थान से दाएं से 3रे स्थान पर थी। अब यहाँ पे जिसको जो है बिना आप सॉल्व करे नहीं कर सकते, आप देखिए टोटल व्यक्तियों की संख्या 40 थी, ये मान लेते हैं कौन थी, ये जो थी किरण थी, ये किरण थी और किरण के एक प्रकार से जो श्वेता थी वो किरण के प्रारंभिक स्थान से
दाएं से तीसरे स्थान पर थी, दाएं से तीसरे स्थान पर थी, तीसरा स्थान ये होगा, ये श्वेता थी, ठीक है, श्वेता दाएं से तीसरे स्थान पे थी। अब ये कह रहे हैं कि देखिए कि ये वाली यहाँ पे है, ये पोजीशन इसकी यहाँ पे है, दसवां मतलब ये स्थान था और इससे ये कितना स्थान सरक गई है, देखिए टोटल व्यक्ति इसके जो है 40 थे। अब ये कह रहे हैं कि वो चार स्थान अपने किधर खींच सकती है, श्वेता चार स्थान जो है वो बाएं सरकती है, हम बाएं सरका रहे हैं इसको चार स्थान, एक दो तीन जो है वो अपने बाएं से चार स्थान सरक जाती, ना कि तीन स्थान सरकती है, चार स्थान पे सरक जाती है। तो किरण यहाँ पे आ जाती है, अब इसकी पोजीशन इधर से कितनी हो जाती है, अब उसकी पोजीशन ये इधर का बायां हो गया, बायां से इधर हो जाती है दसवां, ये हो जाती है दसवें स्थान पे, किधर हो जाती है दसवें स्थान पे, अब दसवां ये है तो खुद आप देखिए, अब ये दाएं से बताइए, दाएं से तीसरे, अब ये श्वेता दाएं से कितने कौन से स्थान पर होगा, श्वेता का स्थान को दाएं से कितने, अब देखिए ये दसवां था, दस के बाद ग्यारह था, ग्यारह बारह था, तेरह था, चौदह था, पंद्रह था, सोलह था, सत्रह था, तो इसका स्थान कितना होगा, सत्रह हो गया, इसका स्थान सत्रह होगा। अब इधर से सत्रह है, अब एम जो हमारा मान लेते हैं वो सत्रह है, एम बराबर सत्रह मान लेते हैं, अब हम फार्मूले में रखते हैं चल के, एम की वैल्यू हम सत्रह मान लेते हैं तो हमको पता हो जाएगा कि माइनस इतने से करेंगे तो तुरंत निकल आएगा। तो देखिए एम प्लस एन माइनस वन बराबर टी, टोटल कितने थे 40। अब एन एन की वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं, है हमको नहीं पता है, एन एन कुछ भी रख दीजिए, अब दोनों सेम है, हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे 17 रखेंगे, 17 माइनस एक बराबर कितना हो जाएगा 16, तो एन बराबर कितना यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो एन की वैल्यू जो निकलेगी वो एक प्रकार से यहां से निकल के आएगी एन माइनस वन, तो ये बराबर हो जाएगा 40 माइनस 16, तो यहाँ पे जो एक प्रकार से इसका जो क्वेश्चन निकल के आएगा 40 माइनस 16 बराबर कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 10 में से। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 40 माइनस ये कह लीजिए कि ये हो जाएगा 40 और समथिंग 16, तो उसके बाद क्या बचेगा, 40 में से 16 घटा देंगे तो आपका ये बच जाएगा यहाँ से 24। तो n बराबर उधर से स्थान इसका कितना होगा, उधर से इसका स्थान 24वां होगा। देखिए यहाँ 22 दिख रहा है, 23 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 26 दिख रहा है, लेकिन 24 नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। यही फार्मूला सभी में मतलब लगेगा और सभी जो है एक प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस वाले फार्मूले से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो है सभी के लिए ट्रूथ है फार्मूला, और ये इससे जो है सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जा सकते हैं और करते भी हैं लड़के। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में अंकित का स्थान दाएं से बाएं से 16 है, बाएं दाएं कुछ भी रखें हमसे नहीं मालूम, एम बराबर मान लेते हैं 16, एम की वैल्यू मान लेते हैं क्या है 16, लेकिन एम अभी हम रखेंगे नहीं क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ सरकना रखना वाला रख देंगे, और विशाल का स्थान दाएं से 18 है, विशाल का स्थान दाएं से क्या है 18। अब इसके बाद कह रहे हैं गगन अंकित के दाएं से 11वें स्थान पर है और विशाल के 3वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने जो है बच्चे हैं, अब इसको जो है बनाना पड़ेगा, एक मिनट देख लेते हैं। ये हो गए भाई पंक्ति में हमको स्टूडेंट पता नहीं कितने हैं, देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अंकित का स्थान बाएं से कितना 16 है, बाएं से इसका अंकित का स्थान हमें, एक मिनट इसको जो है छोटा कर लेते हैं, ये स्थान हो गए 16, और उसके बाद कह रहे हैं विशाल का दाएं से जो है स्थान है 18, विशाल का जो है वो दाएं से स्थान है 18। अभी ये हमको नहीं पता है कि हो सकता है ये 18 यहाँ पे पड़े, हो सकता है ये 18 यहाँ पे पड़े, अभी हमको पता नहीं है, ठीक है, अभी हमको निकालना है कितना है दाएं, अब विशाल का जो स्थान है वो दाएं से 18 है,
अभी 18वां हमको पता नहीं कहां पे है, ध्यान रखना 18वां हमको पता नहीं है। अब वो कह रहे हैं गगन अंकित के दाएं से, गगन अंकित के दाएं से, अंकित का दाएं या ये होगा कि 11वें स्थान पे बैठा है। कितने स्थान पे? 11वें स्थान पे बैठा, इसके दाएं से 11वें स्थान पे बैठा हुआ है, 11वां स्थान ये होगा। तो 11वें स्थान पे बैठा है तो 11 इसमें जोड़ दोगे तो 6 1 7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। और ये मतलब दाएं से बाएं से इसका 27वें स्थान पर बैठा हुआ है। बाएं से कितने स्थान पर है? गगन 27वें स्थान पर बैठा हुआ है। अब अगर जो हमको ये बाएं से 27वें, अब ये कह रहे हैं विशाल के दाएं से 3वें स्थान पर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि विशाल का दाया इधर ही होगा कहीं पे, तो ये 18वें स्थान पर था और इसके 3वें स्थान पर नीचे बैठा हुआ है। देखो इसका 3 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये 18 से थे ही, 18 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? ये 15वां स्थान हो जाएगा। तो उधर से 27वां, इधर से 15वां, तो हमारी एम और एन की वैल्यू कितनी होगी? 27 प्लस 15 कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे। हमारा एम की वैल्यू जो टोटल व्यक्ति निकल के आएंगे एम प्लस एन माइनस 1, एम की वैल्यू कितनी होगी? 27 प्लस 15 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 5 12 माइनस 15 तो बयाल, यहां से जो हमारा माइनस हो जाएगा तो ये स्थान जो इसका निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा 42 माइनस 15 41 41 निकल के आ जाएगा। देखो कहीं 41 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 40 दिख रहा है, 42 दिख रहा है, 48 दिख रहा है। और डी आंकड़े पर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त हैं इसीलिए हम आंसर निकाल पा रहे हैं। आंकड़े पर्याप्त नहीं है का मतलब ये है कि आंकड़े जो है पर्याप्त नहीं का मतलब है कि हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। हम आंसर निकाल रहे हैं तो ये वाला भी गलत हो जाता है ऑप्शन हमारा, ये वाला गलत हो जाता है। जो 41 को ही पे दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब इनमें से कोई होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही है ई नंबर का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में राम का प्रारंभ से 7वां है, अंत से 11वां है। प्रारंभ से 7वां, अंत से 11वां है, मतलब लड़कों की एक पंक्ति है, लड़कों की एक पंक्ति बनाई गई है जिसमें प्रारंभ से 7वां और अंत से 11वां स्थान है। इसके बाद है एक अन्य पंक्ति, लड़कों की एक पंक्ति विमल जो है प्रारंभ से इसमें 10वां है, अंत से 12वां है। दोनों पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे? देखो पहले वाले में कितने होंगे? 7, 11 7 कितना होता है? 11 में 7 जोड़ोगे 18 हो जाएंगे। 18 में से पहले वाले पंक्ति में वही फॉर्मूला लगाइए, एम प्लस एन माइनस 1 बराबर टी। इसमें हम रखेंगे क्या? वही 7 माइनस 7 प्लस 11 माइनस 1 बराबर 11 माइनस 1 कर दोगे तो बच जाएगा 10, 10 प्लस 7 बराबर 17। टोटल पंक्ति पहले वाले में कितने होंगे लड़के? 17। दूसरी पंक्ति में कितने हैं? 10 हैं। एक दाएं से विमल का प्रारंभ से स्थान 10वां है, अंत से 12वां है, तो 12 में से 1 घटा दो 11 बच जाएगा। और 11 10 कितना होता है? 21 होता है। 21 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा टोटल? इसमें भी वही फार्मूला लगा दीजिए, 12 10 प्लस 12 माइनस 1 बराबर कितना? 21 हो जाएगा। अब इसमें इनको जोड़ो, 7 1 8 हो जाता है और 4 3 ये 3 हो जाता है, तो कितने टोटल अंक व्यक्ति होंगे? 38 कितने होंगे? 38। यहाँ पे आंसर देखिए, 36 दिख रहा है, 37 दिख रहा है, कहीं पे 39 दिख रहा है। गणना नहीं की जा सकती, गणना तो हम कर लिया है, गणना नहीं की जाती जा सकती, ये गलत हो जाएगा। गणना हमने कर लिया, कितने व्यक्ति हैं? 38, तभी तो हम निकाल पा रहे हैं कि 38 है। गणना नहीं की जाती, आंकड़े पर्याप्त करने का मतलब, आंकड़े पर्याप्त करने का मतलब हम कर नहीं पा रहे हैं, गणना नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब भी वही है। जनरली इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही है, जो इनमें से कोई नहीं है बता रहे हैं यही सही है, क्योंकि भाई इसमें से कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है ऐसा जो ये बता दे कि हाँ ये सही होगा। इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरह के, दाएं बाएं से 6वां 7वां स्थान कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन यही फार्मूला, एक ही फार्मूला, कोई फॉर्मूला दूसरा नहीं। पंक्ति से दाएं में हो, बाएं में हो, कहीं पे भी बैठा हो, ये
इससे कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, बस ये ही फॉर्मूला लगाना है आपको, टी बराबर निकालना है एम प्लस एन माइनस वन। टी का मतलब हो गया टोटल, एम का मतलब हो गया दाएं से एम हुआ, और एन का मतलब बाएं से एम हुआ। इन दोनों में से कोई भी दाएं बाएं कर लीजिए एम एन को, और माइनस एक कर दीजिए, टोटल व्यक्ति निकल आएंगे। और फॉर्मूला यही रखिए, कोई एक चीज ना दी हो, टोटल दिया हो तो दूसरा निकाल सकते हैं। इनमें से एन ना दिया हो तो एन निकाल सकते हैं, अगर जो एम ना दिया हो तो एम भी हम निकाल सकते हैं। बस यही फॉर्मूला लगाइए, सारे क्वेश्चन के लिए ट्रू है। एक ही लेक्चर में बनाऊंगा इस पर जो है, बार बार मैं इस लेक्चर को जो है आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल जो है क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, और बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इसमें जो है नहीं। हमें नहीं लगता है कि अब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यदि आपको प्रैक्टिस करिएगा और ना समझ में आए तो इस पर कमेंट करिए, मैं अगले भी लेक्चर जो है नेक्स्ट शुरुआत से एक प्रकार सीरीज से जो है बनाने का प्रयास करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।